हम सबको भगवान ने आवाज दी है। कुछ लोगों की आवाज मधुर होती है और कुछ लोगों की फटे हुए स्पीकर जैसी, और कुछ लोग तो अपनी आवाज बदल भी सकते हैं और उसे कहते हैं मिमिक्री। मेरा नाम है मिथिलेश पाटनकर और मैं हूँ एक मिमिक्री आर्टिस्ट। अरे बाबा राजू कुत्रे, जितनी मोहब्बत मैं तुझसे डेफिनेटली करता हूँ, अरे बच्चे की जाओ किरड़ा वर खरकटिया पत्र। सात साल पहले मेरा मन किया कि शाहरुख खान की आवाज निकाल ली है, एंड तब से लेकर आज तक मैंने मेरी आवाज को 50 से भी ज्यादा तरीकों से बदलना सीखा है। मैं चाहूँ तो मैं ऋतिक रोशन का आवाज निकाल सकता हूँ। क्या देख रहे हो, मैं बोन मीठा से मुंह धो रहा हूँ। एंड अगर चाहूँ तो डोनाल्ड डक का भी आवाज निकाल सकता हूँ। मैं हमेशा से चाहता था कि यार मेरी तरह इस धरती के 8 बिलियन लोग अपना आवाज बदल सके, एंड इसीलिए मैंने बनाया आवाज ऑटोमेटिक वॉइस अटेन्यूएशन ज़िगामॉर्फ। पिछले एक साल से मैं और मेरी टीम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एंड आई कांट बिलीव कि ये आज सच हो रहा है। इस सिंपल डिवाइस से तुम लोग किसी का भी आवाज कॉपी कर सकते हो। बस स्क्रीन पे आपको आवाज सिलेक्ट करना है एंड फिर ये बटन दबाना है। सो हाय, मेरा नाम है मिथिलेश पाटनकर और मैंने अभी सिलेक्ट किया ट्रिगर्ड इंसान का आवाज। अब जैसे मैं ये बटन दबाऊंगा, मेरा आवाज कर्न हो जाएगा ट्रिगर्ड इंसान में। मेरा नाम है मखदुम्मी, आप सभी को मेरी तरफ से चुम्मी। इजंट इट मैजिक। तो ये बात है उस जमाने की। चुप, बिल्कुल चुप। नहीं लग रहा सेम टू सेम आवाज ट्रिगर्ड इंसान का। देखिए, मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि मैं अभी भी मिथिला से बहुत प्यार करता हूँ। देखो, ये कम्प्लीटली परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये वर्जन 1 है एंड इसके अपडेट्स आके रहेंगे। आई डोंट नो, मैं हंस सकता हूँ क्या निश्चय के आवाज में? भाई निश्चय वो स्कूटर चालू होता है ना, वैसे हंसता है रे। एंड अभी मैं मेरी आवाज बदलने वाला हूँ नियॉन मैन में। तो की हाल चाल, श्रीकांत, मैं हूँ नियॉन मैन और आज हम बात करने वाले हैं आवाज के बारे में। ऑटोमेटिक वॉइस अटेन्यूएशन ज़िगामॉर्फ, ये एक नया डिवाइस है जो मिथपैट ने लॉन्च किया है। एंड मैं तुम लोग को बताऊंगा इस डिवाइस का सबसे बड़ा फायदा क्या है। नियॉन मैन का धंधा बंद होने वाला है, क्योंकि नियॉन मैन की आवाज में कोई भी न्यूज दे सकता है। आज चिचुगली आंटी को नया जॉब ढूंढना पड़ेगा। चाहू तो मैं नियॉन मैन से उर्मिला नहीं बन सकती हूँ। ओ माय गॉड मिथिलेश, तेरे अंदर मेरा आवाज कैसे आ गया? आई कांट बिलीव इट। मुझे मालूम है, मुझे डोसा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मिथिलेश, मैं तेरे को सच बताना चाहती हूँ कि तू दुनिया का सबसे बेस्ट हस्बैंड है एंड आई लव यू मिथिलेश। तू इतना स्मार्ट है, तूने ये बनाया कैसे डिवाइस? मिथिलेश, यू आर सो स्मार्ट। मैं सच बता रही हूँ गाइस कि मिथिलेश ने ये डिवाइस दिल से बनाया आप लोगों के लिए, लेकिन अभी मिथिलेश बताएगा कि इस डिवाइस को यूज कैसे करते हैं। ये डिवाइस यूज करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको बस करने हैं ये 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, आपको जिसका भी आवाज कॉपी करना है उसको जाके पकड़ो। आप उसको अच्छे से पकड़ सकते हो या फिर आप उसको किडनैप भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जस्ट नाम हम पे नहीं आना चाहिए, आजकल बहुत यूट्यूबर्स जेल जा रहे हैं, मुझे नहीं जाना। आपके फेवरेट इंसान को पकड़ने के बाद हमारे पेटेंटेड माइक रिसीवर पे उनसे 7 सुर गवाओ। सारे ग म प ध नि सा, दैट्स ऑल। एंड नाउ स्टेप नंबर 3, ये जो वॉइस सैंपल्स आपको मिले हैं उनको आवाज में ट्रांसफर करो। And that's it. ये 3 easy steps से आप किसी का भी आवाज कॉपी कर सकते हो, चाहे वो एक लड़का हो या लड़की। And हाँ, टेंशन मत लो, अगर आप एक लड़की हो फिर भी आप हमारा डिवाइस यूज कर सकते हो, हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। हेलो भाई, मेरा नाम है अज्जू भाई, भाई नहीं बहन। कैसे हो सभी लोग? मस्त साल हुए ना, मजा मां ढोकला गया क्या? मैं चाहूँ तो अभी मैं मिथिलेश का भी आवाज निकाल सकती हूँ। तू कटकट बहुत करती है, दिमाग खाते एकदम। इसको एक चीज बताना समझते ही नहीं है, 10 बार बताना पड़ता है। टाइम पास करेगी, सोफे पे बैठेगी, टीवी देखेगी, कुछ काम नहीं करेगी, है ना? और मिला काम नहीं करने का ना कुछ भी। सो हाँ गाइस, पिछले एक साल से हमने इस प्रोडक्ट पे बहुत मेहनत की है एंड मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अभी के भी डिस्क्रिप्शन में जाओ एंड इस प्रोडक्ट को खरीदो। मुझे नहीं मालूम खरीदना पड़ेगा। एंड हाँ, मेरा डिस्काउंट कोड मिथपैट यूज करना भूलना मत। पर तू तो कैरी मिनाटी है। मैं कैरी मिनाटी किधर हूँ, मैं तो उर्मिला हूँ, उर्मिला लवेकर, मिथिलेश की बाइक को उर्मिला मिथिलेश पाटनकर। तू नकली उर्मिला है, मैं असली उर्मिला हूँ। मैं कैसे नकली उर्मिला? मेरे चेहरे को देखो, आई लुक सो गॉर्जियस गाइस। मुझे डोसा खाना बहुत पसंद है। मैं हूँ असली उर्मिला मिथिलेश पाटनकर। मैं हूँ उर्मिला मिथिलेश पाटनकर। ओके गाइस, तुम लोग बताओ कि हम दोनों में से असली उर्मिला कौन है। एंड अगर तुम लोग को भी उर्मिला बनना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ एंड हमारा प्रोडक्ट जाके अभी खरीदो। बाय बाय, सी यू, टाटा टाटा।